आई ये कैसे कटा है? हम लोग काट लिए मोबाइल। सही में? देखो यहाँ से ऐसी बहुत छोटे छोटे कट गए, ये देखो मोबाइल से काटे आंटी देख के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज का वीडियो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही बड़ा सबक मिलने वाला है, एक अच्छी सीख मिलने वाली है इस वीडियो से। मैंने स्टार्टिंग में एक छोटी सी क्लिप डाली हुई है जिसमें आपने खुद ही सुना होगा कि इन्होंने ना मोबाइल से देख के हेयर कट किया हुआ है। तो पूरे इनके हेयर कट पूरा बीच बीच से बहुत कट हो गया, पूरा एकदम ख़राब तरीके से एक तो कट हुआ, दूसरी बात है कि पता नहीं कैसे कट गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पूरी लेंथ बीच बीच से कट गई है, दो दो इंच की लेंथ इनकी बीच बीच में कहीं कहीं पे बची हुई है। तो इनकी लेंथ को मैं मेंटेन रखते हुए एक अच्छा शेप देने वाली हूँ, और जो भी प्रॉब्लम्स हो गई है उसको मैं कटिंग के थ्रू एक अच्छा लुक दे दूँगी ताकि वो हाइट हो सके। तो बॉक्स पार्टिंग करके हेयर को ली हूँ, सामने की तरफ डाउन करना है और इसको तिरछा कट करेंगे ताकि जो नीचे की लेंथ है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकूं। कैमरे को मैं सामने अभी करने वाली हूँ ताकि आप देख पाएं। इस तरीके से ग्रिप करेंगे और तिरछा कट करेंगे हल्का सा। ओके, ये एक बार में ट्रिम हुआ है, इसके बाद हम एक बार इसको फिर से रीचेक करेंगे ताकि एक अच्छी फिनिशिंग आ सके। जब भी आप लोग कटिंग करते हैं ना तो प्लीज़ ऐसे शॉर्ट वीडियो देख के मत किया करें, या पता नहीं इन्होंने ये मुझे बोल रही थी कि नहीं हम लोगों ने पूरी वीडियो कई बार देखी है और उसके बाद ही कट की हूँ, तो भी उनका ये हाल हुआ है, मुझे समझ नहीं आता है। जब आप कटिंग देखते हैं ना तो ऐसा फुल वीडियो देखें, जैसे मैं अपलोड करती हूँ तो फुल वीडियो अपलोड करती हूँ, कहीं पे कुछ स्किप नहीं करती हूँ। तो उससे क्या रहता है कि जो पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैं समझाते हुए चलती हूँ। तो अभी मैं जो गाइडलाइन वाले हेयर को एक्स्ट्रा पीछे कर दी हूँ और सामने का भी साथ ही साथ कट कर ले रही हूँ। बीच से हेयर को लेना है और इसको मैं चिन के पास से रख के ट्रिम कर दे रही हूँ, हल्का ऐसा ट्विस्ट करते हुए। एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे। अच्छा, मुझे ना पहले तो इनका जब हेयर ड्राई था तो बहुत अजीब सा तो दिख रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कई लोग ऐसे होते ना हेयर कट नहीं लेते हैं तो अजीब सा दिखने लगता है, लेकिन जब मैं इनके हेयर को ऐसा कोम करने लगी तब मुझे बीच बीच से हेयर ऐसा कट दिखा, कहीं पे कटा हुआ है, कहीं पे बहुत छोटे छोटे हेयर बचे हैं, पूरी लेंथ कट गई है। किस तरीके से इन्होंने सीजर चलाई पता नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं आया मेरे को। तो अब देखिए टू पार्ट्स में हेयर को ऐसा मिड तक डिवाइड करने के बाद मैंने गाइडलाइन को अच्छे से पूरे हेयर के साथ मिक्स कर ली हूँ मैं। यहाँ पे कैसे कट करना है, सामने के साइड में ऐसा खड़े हो जाना है, हेयर को कॉम करते हुए ऊपर की तरफ लेके चलेंगे, रूट से कॉम करें और फेस को हल्का डाउन रखें नीचे। ये देखिए, और ये कान के पास भी इन्होंने जो है काफी छोटे छोटे हेयर कट कर लिए हुए, तो वो तो छूट रहे थे तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकती, वो ऐसी जब मैं फ्रंट हेयर कट जो की हूँ उसी में वो मिक्स हो जाएगा। और इस तरीके से कलाइयों को मूव करते हुए आपको कट करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन डन हो चुका है साइड वाला। अब नीचे डाउन करेंगे, गाइडलाइन के लिए हेयर को लेना है, थोड़ी सी थिक लेयर उठाएं ताकि आप जब कटिंग करने वाले हेयर के साथ मिक्स करते हैं ना तो वो प्रॉपर अच्छे से आपको दिखाई दे। मीडियम मीडियम सा सेक्शन लेना है और एक्स्ट्रा हेयर को सिक्योर करते हुए चलें। और जिन्होंने इनका कटिंग किया हुआ था ना वो भी इनके साथ में ही आई हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको ओपन कर करके इनका जो हेयर का प्रॉब्लम है वो नहीं दिखाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अब जो गलती हो गया वो हो गया, अब उन्हीं के सामने अगर उनकी गलतियाँ हम वीडियो में दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, वो नहीं होती तो एक अलग बात थी। तो बस मैंने कुछ कुछ गलती आपको यहाँ पे दिखाई, लेकिन समझ नहीं आता कि उन्होंने कैसे सीजर चलाई। इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से पहले देखा करें उसके बाद आप कट करें। और कटिंग डायरेक्ट कभी किसी के हेयर पे तो करना ही नहीं चाहिए, हमेशा बोलती हूँ कि प्रैक्टिस के लिए आप डमी परचेस कर लें, कोई भी सस्ती डमी ले लें, उसमें आप कटिंग की प्रैक्टिस करें। जब आपका हाथ उसमें अच्छे से फिनिशिंग आने लगे, हाथ चलने लगे, तब आप रियल हेयर पे कटिंग करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पे जब मैं हेयर को निकाली ना कोम की, तो नीचे के हेयर ऐसा छूटने लगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए जी, जब हेयर नीचे छूटा ना, और ऐसे ही हेयर और भी बीच में है जो कि बीच में होने की वजह से वो ग्रिप है, नहीं निकल रहे, पर ये बिल्कुल नीचे नेप एरिया का था, वो तो ग्रिप नहीं हो रहा था, वो छूट जा रहा था।
अब देखिए इसको डाउन करते हुए 95 डिग्री एंगल पे मैं कट करी हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा सा कट करूँगी और एक अच्छा शेप देने वाली हूँ उनके बालों पे। और ये नीचे का तो चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, वो तो ढक जाएगा अंदर, लेकिन जो टॉप एरिया से मैंने जब इनके हेयर देखे ना, वो कब मैं देखी, जब इनके बालों को गीला मतलब सॉरी ब्लो ड्राई की ना, तो ड्राई होने के बाद वो हेयर मुझे और दिखाई दे, छोटे छोटे काफ़ी हेयर हैं जो दो दो इंच के होंगे लगभग, बाकी पूरी लेंथ उड़ गई है। तो ऐसी गलती कभी भी आप लोग ना करें, और ऐसे कभी भी किसी से कट कराना भी नहीं चाहिए जब तक कोई परफेक्ट ना हो कटिंग करने में। देखिए सामने के साइड में डाउन करते हुए कैसे कट करना है, कलाई को मूव करते हुए इस तरीके से, ग्रिप करने का तरीका प्लीज आप लोग वीडियो में देखते हुए चलें। और कभी भी शॉर्ट वीडियो देख के तो कटिंग करो ही मत, फुल लेंथ पूरी वीडियो देखो, पूरा डिटेल प्रोसेस देखो, उसके बाद ही आप कटिंग करो, और वो भी डायरेक्ट कभी भी किसी और के हेयर पे नहीं, आप पहले डमी पे प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे देखिए इस वाले हेयर को भी मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ और ये हमारा डन हो जाएगा। इसके बाद मैं नीचे से इनके बालों को थोड़ी सी फिनिशिंग दे दूंगी। देखिए जो लोग सीखे हुए रहते हैं, जैसे बिगनर हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, जिनको थोड़ी आइडिया रहती है, तो वो वीडियो देख के तुरंत कट कर लेते हैं। लेकिन जिनको भी ऐसा बिल्कुल आपने कभी सीजर चलाई ही नहीं है हेयर पे, तो डायरेक्ट कभी किसी के हेयर पे कट ना करें। दूसरी बात मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी कभी ऐसे किसी से कट ना करवाएं। जब आप डमी पे प्रैक्टिस कर लें, उसका लुक आपको अच्छा लगे, परफेक्ट लगे, तब आप जो है उनको बोले कि हाँ अब आप मेरे हेयर पे कर सकते। वो भी स्टार्टिंग आप नॉर्मल कटिंग से शुरू करें, जैसे यू कट हो गया, स्ट्रेट हो गया, वी कट हो गया, लेजर लेयर से स्टार्ट करें, तब आप जो है स्टेप्स कट वाले लुक पे जाएं। तो ये डन हो चुका है और देखिए इनकी लेंथ भी मैंने मेंटेन रखी हुई है, और जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी इनकी अभी हाइड हो गई है। तो ब्लो ड्राई का करके मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, मैंने हल्का सा इनके बालों को ब्लो ड्राई किया हुआ है। तो जो बीच में छोटे छोटे बहुत हेयर कट गए थे, बीच वाला पार्ट्स तो खास करके बहुत सारा इनका ट्रिम हो गया था, तो उसको मैं अच्छा सा एक जब ऐसा स्टेप्स लुक दी हूँ ना, तो वो अब नहीं पता चल रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन जो टॉप एरिया से है ना, वो बीच में है, जब मैं इस तरीके से हाथों को चला रही थी तो वो मुझे और भी ज़्यादा दिखाई दिया। तो इस वीडियो से आप सबको ये सीख तो ज़रूर मिल जाएगी कि कभी भी अनप्रैक्टिसनर हाथ से कट ना लें, और प्लीज़ कभी कोई बोले कि नहीं आप कट करा लो मुझे आता है, तो उनको बोलो कि नहीं आप पहले डमी पे करके दिखाओ, या स्ट्रेट यू कट वी कट ऐसा कुछ करके दिखाओ, जो लेंथ आप थोड़ी थोड़ी ट्रिम कराओ, बहुत ज़्यादा नहीं, जब आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद ही आप आगे की तरफ बढ़ें। और प्लीज़ आप लोग वही हेयर कट ट्राई किया करें जिनकी वीडियो सच में आपको जेन्युइन लगती हैं। मैं जब भी वीडियो डालती हूँ मैं कुछ स्किप नहीं करती, भले मेरी वीडियो 15 मिनट की बने या 20 मिनट की बने, कटिंग के हिसाब से मुझे जितना टाइम लगता है एग्जैक्ट मैं उतना देती हूँ, ठीक है, तो कुछ भी स्किप नहीं करती। और ऐसे आधा अधूरा जो वीडियो अपलोड करती ना, वैसे देख के कभी भी आप लोग कटिंग ट्राई ना करें। और मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ आप मेरी कटिंग वीडियोज़ फॉलो करें, नहीं, किसी का भी आप देखें, कितने सारे लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन जिनका लगे कि हाँ सच में ये पूरी वीडियो डाल रहे हैं, पूरा लुक शेयर कर रहे हैं हमारे साथ में, पूरा डिटेल दिखा रहे हैं, तो आप उनका देखने के बाद ही ट्राई करें, वो भी जो लगे कि हाँ ये आप कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हों, और कैसा लगा इनके हेयर कट का ये फाइनल लुक मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर साइड में भी ना काफ़ी हेयर इनके ट्रिम हो गए थे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा, और जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, टाइम पे नोटिफिकेशन मिले और आप समय पे वीडियोस देख सकें। तो यहाँ पे देखिए ये जहाँ पे मैं हेयर अभी आप ऐसा हटा रही हूँ ना, ये बीच से इनके हेयर बहुत कटे हुए हैं, जो दो दो इंच के लगभग होंगे, बाकी पूरी पूरी लेंथ कट गई है, और ऐसे तो अंदर में बहुत से हैं। ओके गाइज, चलिए फिर कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइज़।